भारत के एक नेता जो खुद भले ही छठी क्लास तक भी नहीं पढ़े थे, लेकिन उनकी वजह से आज भी 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को हर रोज एक वक्त का खाना फ्री में खिलाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे बेहतरीन सीएम कहे जाने वाले कुमार स्वामी कामराज जी के बारे में। कामराज जी को बचपन से ही पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कम उम्र में पिता का देहांत हो जाने पर उन्होंने स्कूल छोड़कर छोटे मोटे काम करने शुरू किए ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। आगे चलकर कामराज जी ने भारत की आजादी में भी एक अहम भूमिका निभाई और साल 1954 में तमिलनाडु का सीएम बनते ही उनके नेतृत्व में तमिलनाडु की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर ग्रोथ देखने को मिली। उन्होंने अपने सिर्फ 9 साल के कार्यकाल में चेन्नई के पास उस समय में एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया। इसके अलावा कामराज जी ने तमिलनाडु में न सिर्फ 18,000 से भी ज्यादा स्कूल्स खुलवाए, बल्कि उनमें 11th तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री और कंपलसरी भी करवा दी। यहां तक कि उनके स्कूलों में सभी बच्चों को फ्री बुक्स के साथ साथ फ्री में यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करवाई जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी कामराज जी जानते थे कि कई गरीब माँ बाप अपने बच्चों को कम उम्र में स्कूल से निकाल कर छोटे मोटे कामों में लगा देते हैं, जिसके सोल्यूशन के तौर पर कामराज जी ने दुनिया में सबसे पहली बार मिड डे मील पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक वक्त का खाना बिल्कुल फ्री में खिलाया जाता है। कामराज जी के इन सभी एफर्ट्स की वजह से तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 7% से बढ़कर 37% हो गया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ 9 सालों में भारत के सबसे अनपढ़ राज्य को भारत के सबसे लिटरेसी वाले राज्यों की सूची में शामिल कर दिया था। मिड डे मील पॉलिसी की इतनी बेहतरीन सफलता को देखते हुए इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इस योजना को हर सरकारी स्कूल में लागू कराने का आदेश दिया। इसलिए